इसी तरह से ये हमारा कल्प कल्पांतर का अधिकार आपके पास मुड़ा हुआ है। अपन अभी ऐसे कहेंगे हा? ये अधिकार हमारे सिवाय और कोई ले नहीं सकता है। ये अपना पार्ट, ये अभी पार्ट सिद्ध होता है, जो जो उसमें आते जाते हैं और दृढ़ता से लगते जा रहे हैं तो जानते हैं कि ये कल्प पहले वाला वही है और अपना बाप से अधिकार लेने वाला ले ही रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि अपना सुख का अधिकार, जो बाप के पास पूर्ण सुख है, वो सुखदाता जिसलिए गाया हुआ है, वो हमारा अधिकार है और हम कल्प कल्प बाप से अपना ये अधिकार लेने के लिए कल्प कल्प अपन ही आते हैं लेने के लिए। ये सुख का अधिकार और कोई ले नहीं सकते। इसमें कोई कहे क्यों सिर्फ यहाँ या भारत से ही क्यों या दूसरे धर्म वाले क्यों ना, तो ये तो अभी अपन जानते हैं। जो अगर दूसरे धर्म में भी हो, कोई कहे कि क्रिश्चियन से क्यों नहीं, बुद्धिज्म से क्यों नहीं, वो क्यों नहीं ये अधिकार लेते, या कहीं यहाँ विचार देते नहीं कि भी बारी बारी होनी चाहिए, कभी दूसरे धर्म वाले ले कभी दूसरे धर्म, क्यों एक ही क्यों है, अभी दूसरे दूसरे की तो नहीं है नहीं। ये तो फिर ड्रामा है जिसको अपने समय पर पूरा होकर करके फिर हूबहू रिपीट होना है। इसीलिए ये अपना ही अधिकार है। अगर कोई का भी क्वेश्चन हो तो अच्छा क्वेश्चन क्यों, फिर भी यही आएगा कि क्यों वो, और बदली भी नहीं होने की बात है कि एक वाली क्रिश्चियंस ले गए, दूसरे वाली बुद्धिज्म ले गए, तीसरे वाली ये हिंदू ले गए या फलाने ले गए, ऐसे भी नहीं है। ये तो ड्रामा है, इनको तो जैसा शुरू हुआ है फिर पूरा होकर करके फिर शुरू होगा तो वही होगा ना, ऐसे तो नहीं फिर शुरू दूसरे से होगा। ये तो बना बनाया है, इसीलिए गाया हुआ है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना, क्या नहीं बनना है, यही जो कि बना हुआ है तो उसमें फिर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ सकता है। तो कहाँ से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, तो वो शुरुआत और एंड, एंड होकर तो उसमें फर्क है शुरुआत और एंड में, लेकिन एंड होकर करके फिर शुरुआत होगी तो वही होगी, उसमें फिर कोई फर्क नहीं हो सकता है। बाकी खेल को चलने में शुरू कैसे हुआ, फिर शुरू होते 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 चलते चलते फिर इसका अंत कैसे होता है, ये पूरा खेल कैसे होता है, वो अभी सब देख रहे हैं। अब सब देखो है टच अभी आ चुकी है, बाकी भी जो आने के हो गए थोड़े बहुत वो तो आ चले, लेकिन मुख्य मुख्य पाठधारी अभी स्टेज पर स्थित है। यादव भी है, कौरव भी है, इधर पांडव भी है, परमात्मा भी उपस्थित है। तो यही अभी सब जो मुख्य पाठधारी अभी अपने मुख्य पाठ में अभी कैसे चल रहे हैं, उनका ये पाठ अद्दा हो रहा है, ये फिर खेल अंतिम है। ये सीन, अभी ये सीन का भी बाकी थोड़ा टुकड़ा है पर्दा बाकी है, ये भी आके चल कर कर करके आ, वो भी अपना पर्दा पूरा होगा, फिर ये खेल समाप्त होगा। फिर जैसे वो एक ही राज, एक ही धर्म और एक ही संसार में देवी देवताओं का धर्म का पूर्ण सुख का जो है वो पर अधिकार लेते चलते रहेंगे। तो ये तो अभी सारा चक्कर है नहीं बुद्धि में, स्वदर्शन चक्कर कहो या स्व को अभी नॉलेज है सारे, अपने आदि से लेकर के अंत तक हमारा खेल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ भी पूरा होता है, ये पूरा होता था कि फिर ऐसा। तो ये तो कई बार ऐसे अपना हुआ है और यही हूबहू इसी तरीके से आज की भी जो सीन है आज भी जैसे कोई मानेगा ये फूल हूबहू वही कल्प पहले की सदृश है, इसी तरह से इस तरह से ये एक सेकंड अभी जो मिनट चल रहा है ये इसी तरीके से सब जिसका सिर जहाँ है जिसकी जैसी है जैसे है सब जो हूबहू है ये चल रहा है। यही एक वंडरफुल बात है और बहुतों के बुद्धि में ये बात आए तो बहुत अच्छी तरह से आए, नहीं आए तो बहुत इसमें संशय बुद्धि भी हो जाती है। ये बात कहीं के बुद्धि में कि ये ड्रामा बना बनाया है और किस तरह से बना बनाया है, ऐसे नहीं है कि बना बनाया कोई फर्क से बना बनाया है, जो सीन ड्रामा मीन्स जो सीन जो है जिसी तरह से है, देखो नाटक में भी जो शूट किया हुआ है जो सीन आएगी फिर रिपीट होगी तो वो सीन उसी टाइम की वैसे ही रिपीट होगी। इसी तरह से ये भी सीन हूबहू जो कल्प पहले चली है वो चली है ना। अभी हमारा आना, आप लोगों का यहाँ आना, जो जो बैठे हो जिस तरह से बैठे हो, ये हूबहू वही
और इसका 5000 बरस का अंदाजा है और उस अंदाजे के अनुसार ये सब ऐसा ही रिपीट होता चलता है। तो देखो ये कितना बुद्धि में है, स्थित और घड़ी हर वक्त ये बुद्धि में स्थित रहना है कि ये ड्रामा जो हुआ थी ये ड्रामा है। इसीलिए इनका भी हमारे ध्यान में इतना होना चाहिए, जैसे परमात्मा की याद वैसे साथ साथ जो हमारी एक्टिविटी एक्शन है, क्योंकि कर्म भी तो है ना, कर्म क्षेत्र भी तो है ना, तो परमात्मा और फिर परमात्मा ये कर्म क्षेत्र भी जो है, ये कर्मों का भी जो सारा चलता है, ये भी हूबहू रिपीट होता ही चलता है, इसमें जरा फर्क नहीं पड़ सकता है। जो चला हुआ है वो चलता ही है और चलते रहेंगे। इसी तरह से जानते और समझते उसी दम उसी घड़ी चलते रहे, तो कभी कोई बात का हिर्ख शोक मान अपमान ये सभी बातों की जो आ उलझने आती है नहीं, अनेक प्रकार की आते हैं नहीं, कई बातें ये हुआ क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों हुआ, क्यों क्या, ये सब उड़ जाता है। क्यों और क्या और कैसे ये सब क्वेश्चन जो है ना वो हट जाते हैं। ये तब हटते हैं जब ये बुद्धि में धारणा स्थिरता की बैठ जाए, ये हुआ यही था ड्रामा, जो हुआ ना यही ड्रामा था, भले हम जानते नहीं है, अगर जानते तो फिर ड्रामा कैसे मजा ही कैसे आ गया, पहले से ही पता हो तो फिर तो कोई मजा नहीं, ड्रामा है देखते चलते हैं, जो होता है बस उसी को ही समझना है कि यही ड्रामा है। ऐसी अगर स्थिति से कोई चलते रहे और अपनी धारणाओं को बनाते रहे तो कभी कोई बात की क्या भी हो जाए ना, कैसी भी भारी बात हो जाए ना, तो कभी कोई बात में हिलेंगे नहीं, तो समझेंगे अच्छा अभी अचानक कुछ हो जाता है कोई ऐसी बात तो हाँ क्या हो गया, नहीं वो समझते यही तो ड्रामा था। बस इसी तरह से अगर पकड़ते चले ना तो फिर किसी बात का हिलना या मूंझना या कोई बात में या संशय में आना या किसी बात की भी कोई उलझन चली आए, ऐसी ऐसी बातें कुछ हो नहीं सकती। ये सब होती हैं, तब होती हैं जब हम इसी चीज को भूल जाते हैं। तो ये भी एक बात भारी पॉइंट है, बाप की याद और साथ साथ फिर यही जो हमारा चक्कर भी है, तो चक्कर का भी बना बनाया कैसे है, जो बाप ने बैठ कर करके समझाया है कि मेरा भी मूड है, मैं भी बंदा हुआ हूँ, मैं चाहूँ मैं नहीं यहाँ फर्क डाल दूँ कुछ अच्छा इसवारी नहीं आता हूँ, ऐसे ही कुछ कर लेता हूँ या कोई और तरीके कर, जैसे किया हुआ है जैसे ड्रामा में है वैसे ही करना है, इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं भी बंधा हुआ हूँ, मैं भी कुछ उसमें कर नहीं सकता हूँ। इसमें सर्वशक्तिवान होते उनका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है क्यों नहीं कुछ कर लेता है, वो कहते मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ, मुझे भी आना है, मैं चाहूँ मैं ना आऊँ, मैं कुछ ऐसे ही बस चला लू, नहीं कुछ नहीं मुझे भी आना ही है, मेरा जैसा पार्ट है। तो अगर इस चीज को कोई अच्छी तरह से समझ ले ना कि मेरा जैसा पार्ट है और जिस तरह से है वो ऐसे ही चलता है, तो इसी में कोई फर्क की बात नहीं है। लेकिन हाँ ये जानते भी फिर अपना पुशारत भी चलाना, ऐसे नहीं है कि मेरे यहाँ भाग्य में होगा ड्रामा में होगा, कई फिर इसके उल्टे एडवांटेज ले लेते हैं नहीं, तो ऐसे भी बहुत है जो इसी बातों को उल्टा भी उठा लेते हैं, तो इसीलिए उल्टा उठाने के कारण इसमें मुझ पड़ते हैं कि अच्छा भाग्य में होगा कहते हैं नहीं, ड्रामा में होगा किस्मत में होगा, जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि किस्मत में होगा, पर ऐसे ही बातों में ठहर जाते हैं। लेकिन ठहरने की नहीं है, ये जानते भी पुरुषार्थ ऐसे करते हैं जैसे कि करते ही पाना है, बिना किए काम नहीं चलेगा, तो करना ऐसा है कि बिना किए काम नहीं चलेगा, लेकिन जानते हैं कि काम को भी कैसे चलना है, लेकिन पुरुषार्थ तो जरूर है ना, पहले पुरुषार्थ, इसीलिए पहले पुरुषार्थ पीछे प्रारब्ध, ऐसे नहीं कि यहाँ बना बनाया में जो बना पड़ा होगा या प्रारब्ध में जो होगा वैसा पुरुषार्थ चलेगा, ये तो फिर उल्टी गाड़ी हो जाएगी, तो उल्टा भी फिरेगा चक्कर, उल्टा फिरेगा तो उल्टा होगा तो क्या होगा खत्म होते जाएंगे है? नहीं ये सीधा चक्कर को भी तो सीधा चलाना है नहीं, तो चक्कर चलाने का भी पूरा पूरा नॉलेज चाहिए, नहीं तो कई उल्टे चला लेते हैं, पहले प्रारब्ध पीछे पुरुषार्थ, उल्टी गाड़ी हो गई नहीं ना, आगे घोड़ा होना चाहिए गाड़ी पीछे है, ऐसे नहीं है कि पहले गाड़ी रखे पीछे तो उल्टी हो जाएंगी तो एक्सीडेंट हो जाते हैं,
ऐसे बहुतों के एक्सीडेंट हो जाते हैं कि उल्टे चलाते हैं नहीं, फिर किस्मत, भाग्य या तकदीर या ड्रामा इन्हीं के ऊपर फिर बैठ जाते हैं। नहीं, तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से भले पहले पुरुषार्थ पीछे प्रालब्ध ये समझते अपने पुरुषार्थ को आगे करते चलिए। तो जितना जितना इस राजों को समझेंगे उतना उतना पुरुषार्थ को और ही तेजी आएगी। ऐसे नहीं पुरुषार्थ ठंडा पड़ेगा, भाग्य के ऊपर बैठ जाएगा या ड्रामा के ऊपर बैठ जाएगा, नहीं। पुरुषार्थ करेंगे तो ही तो नींद है ना, उसी से हमको नींद का पता लगेगा कि हमारी नींद क्या है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं और इसी को पाते हैं तो वही हमारी नींद है। तो नींद को देखने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए ना, बिना पुरुषार्थ ऐसे ही बैठ जाए तो फिर कुछ काम नहीं होगा। तो ये है एक पॉइंट जिसको भी बहुत अच्छी तरह से अपनी धारणा में प्रैक्टिकल लगाना है। ये खाली ऐसी भी नहीं है खाली बुद्धि में रखने की बात है, हर वक्त जैसे बाप की याद है उसके साथ साथ ये हमारे एक्शंस की भी, कर्मों की भी, जो ये सारा चलता है उन्हीं को भी इसी तरीके से जानते कि ये भी हमारा ड्रामा में किस तरह से कैसे उसमें हमें क्या करना है। वो अपना बुद्धि जो मिली है समझ भी है नहीं साथ में, ऐसे थोड़ी है कि नहीं जो किस्मत में होगा, किस्मत होती तो फिर बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो समझ काय के लिए है। तो नहीं, समझ से काम लेना है, और समझ देने वाला भी तो देखो समझ देने लिए आए है नहीं। हमारी बुद्धि भी अभी तमोप्रधान हो गई है इसलिए वो बुद्धि नहीं जान सकते हैं, तो बुद्धिमानों की बुद्धि अभी आकर करके बुद्धि दे रहा है, तो बुद्धि की जरूरत है ना, समझने की भी तो बातें हैं ना। तो खाली किस्मत अथवा ड्रामा या कोई सी बात के ऊपर तो नहीं बैठ जाने की बात है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से समझते और अपने पुरुषार्थ को भी इसी तरीके से आगे करने का यत्न करते रहना, तो फिर कभी कोई ऐसी बातों में मूंझेंगे नहीं, और कोई उलझन, कोई दुख, कोई अशांति या कभी किसी बातों से यहाँ मुरझाइश, ये सभी चीजें होंगी नहीं। ये है मुख्य मुख्य बातें जो बुद्धि में अगर हर वक्त कोई रखे तो अपनी धारणाओं में बहुत स्थित रहे और स्थिर रहे, और कभी कोई बात किया तो आएगी नहीं उलझने। तो ये अभी है, अब उलझनों से पार करने वाला बाप आया है नहीं, तो इसीलिए वो कहते हैं मैं नॉलेज भी उसी मतलब का देता हूँ जिसने तुम्हारी प्रैक्टिकल कर्मों में बल लावे तुमको। बाकी बातों से तो तुम्हारा मतलब ही नहीं है, जिस बातों से मतलब है, जिस बातों से तुम्हारे कर्मों को बल मिले वो ही बैठ कर करके मैं नॉलेज समझाता हूँ। देखो परमात्मा का भी परिचय क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि उनको जानने से ही तुम उसको याद कर सकेंगे, और तभी तुम याद करेंगे तभी तुमको शक्ति मिलेगी। तो ये जो जो जरूरी बातें मैं समझाता ही वो ज्ञान हूँ जिसमें तुम्हारे कर्मों में बल आ गए, बाकी बातों से तो कोई मतलब ही नहीं। ये क्या होगा, कैसे होगा, बाप कहते जो जरूरत की बातें हैं वो मैं समझा रहा, बाकी भी जो जरूरत की होंगी तुम्हारे कर्मों में बल देने की बात होंगी वो मैं समझाता जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें फिक्र उसका नहीं करना है, तुम्हें तो जो बल मिलता जा रहा है वो अपने कर्मों में लगाते जाओ, धारण करते जाओ। बाकी बातों में मुझे ये है तो भला ऐसे कैसे होगा, ये है तो ऐसे कैसे होगा, उसी सी बातों में कहीं मूझते है ना, तो मूझने की बातें नहीं। हमारे कर्म में हमको बल लाना है, और इसी नॉलेज का भी मतलब यही है, इसीलिए बाप कहते हैं कि इस नॉलेज को अच्छी तरह से अपने कर्मों में लगाते और अपने बल को अच्छी तरह से धारण करते चले। तो ये है बाप के द्वारा सभी वर्षा मिलता है ज्ञान का, हाँ इसके बल से फिर हम अपना सदा प्रालब्ध सुख की पाते चलेंगे। आधार तो सारा इसी के ऊपर है नहीं, कर्म के ऊपर, अभी अपने कर्मों में ही सारा बल भरना है। ये ज्ञान का मतलब क्या है, इतना जो सारा दिन सुनते हो, रोज सुनते हो, उनका मतलब क्या है, इसी का यही है कि हम अपने कर्मों में बल कैसे लाए और उसी कर्मों में अपने को ठीक रखते चलना ही। बनते तो हम कर्मों से नहीं, बिगड़ते भी कर्मों से है, बनते भी कर्मों से। तो अभी हमको बिगड़े है तो बनाना है, बिगड़ी को कैसे बनाना है उसका भी तरकीब अच्छी तरह से बाप ने समझाई, समझाई तो जरूर उसने है नहीं, ऐसे कहेगी हमारे पास समझ थोड़ी थी, समझाई उसने है और वो ही जानता है, और वो कहते हैं बल भी तो मैं ही दूंगा ना, ऐसे थोड़ी समझाऊंगा मैं, बल यहाँ दूसरे देंगे।
या मैं ऐसी चीजों के यहाँ नीचे आता ही नहीं हूँ, बल मेरे पास है तो शक्ति भी तो मेरे से आ, मेन पावर हाउस तो मैं हूँ ना, तो मेरे से ही पावर लेनी है, तो पावर भी लेनी उनसे है और ज्ञान भी मिलना उससे। तो ज्ञान दाता हाँ, और अपने योग से उसमें बल भरने का दाता भी, अथवा जिसको गति सदगति दाता को, सदगति का मतलब ही क्या है, हमारे कर्म का जो ये पांचों विकारों के बंधन में फंसे हैं उसी बंधन से निकाल कर करके गति सदगति देना, तो ये बल देना ये भी तो उसका ही काम हुआ ना। इसीलिए उस बाप से अपना पूरा पूरा बल लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ रखते रहना। अच्छा, सब फिर राजी खुशी में हो? राजी खुशी तो आप पूछना ही है, इस दुनिया में पूछना पड़ता है, सतयुग में नहीं पूछेंगे राजी खुशी हो, वहाँ कुछ नाराजी ना खुशी है ही नहीं, जहाँ ये चीज ही नहीं है तो पूछने की कोई आ, यहाँ तो रवाज है नहीं कि कैसे राजी खुशी में हो, हाँ ठीक हो पूछना होता है, क्योंकि यहाँ ना ठीक है तो पूछना होता है, वहाँ ना ठीक की बात ही नहीं है तो पूछने की भी नहीं है, न रूहानी न जिस्मानी दोनों तरह से नहीं है, वहाँ हर तरह से यहाँ तन दृष्ट मन दृष्ट सब दृष्ट है ना, इसीलिए वो प्रालब्ध कंप्लीट है, तो वहाँ तो ये क्वेश्चन पूछने ही नहीं पड़ती है, या पूछना पड़ता है क्योंकि है। तो अभी यहाँ बाप से जो अपना वर्षा मिलता रहता है, हक मिलता रहता है, तो उसको लेके और अपना पुरुषार्थ आगे करते चलो, बाकी तो हाँ नॉलेज बहुत क्लियर है और बहुत सरल भी है, जबकि हाँ बाप कहते हैं कि मैं समर्थ हूँ ना, और मैं तुम्हारे सभी पापों को, सभी माना सभी जन्मों के पापों को बैठ कर करके जगत कराने का बल देता हूँ, फिर तो कोई बात ही नहीं रही, इसीलिए यही सर्वशक्तिवान के द्वारा अभी बल मिलता है। तो कहते कोई भी हो तो कोई भी बातों का संकोच रख कर करके नहीं, लेकिन अभी अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, अभी जो मिल रहा है ना उसको उठाते चलो, उसमें अगर कुछ नीचा ऊंचा हुआ तो फिर उनकी बहुत भारी, बाकी जो हो गया वो तो हो गया, वो तो अनजाना ही में था न। अब कहते हैं जानते अगर कुछ करते हो तो उनकी सजा भारी है, इसलिए बाप कहते हैं उस भारी सजाओं से बचते और अपना जो कुछ है पिछला खाता है सबको अपना जगत करते पुरुषार्थ करते रहे। रोशनी है नहीं बुद्धि में, सब क्या करना है क्या नहीं करना है ये अभी रोशनी है। अच्छा, तो सब राजी खुशी में है, उसका मतलब है राजी भी हो और खुश भी हो, बहुत अच्छा है। अगर बाप से ऐसा अधिकार लेने में हाँ पूरे मस्त हो और चलते रहते हो तो बाकी क्या चाहिए, और यही टाइम है यही वक्त है, ये भी ख्याल रखना है कि लेना अभी है, फिर लेने का चांस नहीं है, समय यही है यही जीवन है, इसीलिए इस जीवन की जितनी कमाई कर सके ये कमाई अविनाशी उतनी करते चले, फिर ऐसा समा भी नहीं मिलेगा और देने वाला भी नहीं होगा, देने वाला तो अभी है ना, लेकिन अभी है बैठा है और अभी उनका कोर्स चल रहा है पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बाप कहते हैं जहाँ तक मैं हूँ कम से कम वहां तक मैं जो फरमान करता हूँ उसकी पालना तो करते चलो, कोई भारी बात थोड़ी है, मुश्किल थोड़ी है, इसीलिए कहते एक ही जन्म है, जानता हूँ तुम बहुत जन्म तो आपस में आत्मा आत्माओं के प्रति देते आए, अब मैं एक जन्म तुम्हारा सभी ये अंतिम पिछाड़ी का अभी का ये तुम्हारा लेता हूँ कि अभी मेरे साथ अथवा मेरे फरमान पर चलो, तो क्या ये थोड़ा सा अभी छोटा सा जन्म मेरे हवाले नहीं करते हो, क्योंकि छोटा क्यों कहते हैं मौत ऐसा, अब तो छोटे का बड़े का बूढ़े का सब किया छोटा ही जन्म है ना, अब ऐसे ख्याल नहीं करना है कि आ बड़े होंगे ये होगा ये होगा ये करूंगा, नहीं अभी बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, इसीलिए बस उसी को अपना देकर कर करके और अपना पुरुषार्थ करो, तो ऐसे पुरुषार्थ को करते और अपना कल्याण करते आगे बढ़ो,
जबकि अभी कल्याणकारी बाप मिला है। जानते हो ना इसी तरह से, मुझसे तो नहीं हो ना, साधारण तन में आए हुए बाप को न जान कर करके मुझे तो नहीं हो ना, जानते हो ना अच्छी तरह से, समझ में आता है ना, वो ही है ना, हाँ फर्क तो नहीं है ना, क्या इसीलिए वो ही है, वो ही कई बार देखे हैं, याद नहीं आता है, देखा है, हाँ कई बार देखे हैं, हम ऐसे ही बाप से मिले हैं और ऐसा ही बाप से हक लिया है, और तो इसका तरीका है नहीं, सोचो ही मत, क्यों सोचते हो, ये तो तुम लोगों को बाप कहते हैं कि दूसरों ने बैठ कर करके ऐसी ऐसी बातें सुनाई है, इसीलिए मूंझते हो, लेकिन ये भी सारे शास्त्रों में है, जिन्होंने सुनाया उन्होंने ये भी सुनाया है कि यहाँ आता है तो बड़ा साधारण तन में, आता है तो बड़ा गुप्त वेश में, लेकिन गुप्त क्या होता है, नहीं तो गुप्त का मतलब ही क्या है, अगर कोई आंखों से देखने वाली होती तो गुप्त भी क्यों कहते, अगर कोई प्रख्यात कोई ऐसी चीज होती जो जल्दी से जानने वाली होती तो उसको गुप्त ही क्यों कहते, तो जरूर कोई ऐसी गुंजाइश है जिसको तो गुप्त शब्द भी दिया है ना, गुप्त का भी तो महत्व है ना, गुप्त दान गुप्त गुप्त का क्यों रखते हैं, यही तो है क्योंकि वो आए हैं गुप्त, तो गुप्त और क्या हो सकता है, बताइए ना, देखो आया ना गुप्त,